गाड़ी से ब्लॉग स्टार्ट किया क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा, और ड्रेस मैंने पहन लिया है, अभी मेकअप वगैरह कुछ भी नहीं किया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी अम्मी के घर जा रही हूँ, अम्मी के घर जाकर फिर तैयार हो जाऊँगी। तो ये देखें, ये मैंने ड्रेस खुद ही सिलाई किया है, मैं आपको दिखाऊंगी पूरा फुल मेकअप करके, पूरा लुक अपना दिखाऊंगी। तो अभी देखते हैं टाइम को। ये देखें व्यूअर्स, टाइम सो गया है, इसका तो काम ही ये सो जाता है। और ये टाइम की भी ड्रेसिंग आज मैं अभी लेकर आई थी, कोई भी मार्केट नहीं खुली हुई थी, चेज़अप गई थी वहाँ से लेकर आई थी। और शर्ट का कलर देखे, इतना प्यारा है, और पैंट और शर्ट लेकर आई थी, शॉर्ट भी लेकर आए थे। और ये टाइम के पापा ने भी न्यू ड्रेसिंग की हुई है, और ये अभी ड्राइव कर रहे, बिजी हैं। तो अभी चलते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ अपना फाइनल लुक भी तैयार होकर। तो अभी टाइम हो रहा है रोज़ा खुलने का, शाम मतलब 6:30-7 बजने वाले हैं बस। तो अभी पहुँचते हैं, फिर आपसे मिलवाते हैं और फुल प्रोग्राम भी शेयर करेंगे। ओके बाय, आप हमारे साथ यूँ ही बने रहें, वीडियो स्किप नहीं करनी आपने। तो फाइनली गाइस, हम लोग रेडी हो चुके हैं, अभी हम लोग बैठे हुए हैं कार में। तो हम लोग जाने लगे हैं लड़की वालों के घर, आज है भाई की मंगेतर का रोका। तो आपने बताना है कि हम लोग कैसे लग रहे हैं, बाकी सबसे भी मिलवाती हूँ। और हम लड़की वालों के घर पहुँच चुके हैं, और ये इसका सामान है, उसके 3 सूट थे, लड़की के ड्रेस थे 3, और 3 ही स्लीपर थी, एक ड्रेस और स्लीपर सब कुछ पहना हुआ जो हम लोग लेकर आए थे। तो बाकी सामान मैंने आपको दिखाया है, और अम्मी और पापा रोके की रस्म करने लगे हैं। तो आपने बताना है कैसी है हमारी रस्म, और कैसा है ड्रेस दुल्हन का, और सब चीज़ें कैसी हैं आपने ज़रूर बताना है। और पापा जी ने तो अपना मुंह मीठा कर लिया है, तो अभी लड़की का मुंह तो मीठा अम्मी ही करवाएगी। तो पापा बहुत, पापा को अच्छा नहीं लगता बहू के साथ बैठना, तो इसलिए सबने बोला कि आप बैठे, कोई बात नहीं, बहू भी घर की बेटी ही होती है। तो इसलिए फिर पापा जी बैठ गए थे। और यहाँ पर भाई, ये छोटा भाई है, और साथ में है मेरे खालू, ये रस्म कर रहे हैं। मैं आपको अपनी फैमिली में सबसे साथ साथ मिलवाती जाऊँगी। और अभी ये भाई का नंबर है, अभी इसका रिश्ता पक्का होगा, इसके लिए भी लड़की ढूंढ रहे हैं। और ये हैं मेरी पिंक सूट वाली हैं बड़ी अम्मी, और साथ में हैं सबसे बड़े भाई और भाभी, ये ताई अम्मी की बेटा और बहू हैं। तो ये हमारी फैमिली में से सबसे बड़े भाई हैं और सबसे बड़ी भाभी हैं। और अभी ये लोग रस्म कर रहे हैं, और अभी हम लोग आ चुके हैं, मैं और दाइम के पापा। तो मैंने कैमरा किसी को पकड़ा दिया था, मैंने भाई को बोला कि भाई आप हमारी वीडियो बनाएं। तो आपने बताना है मेरा ड्रेस कैसा है, और मैं कैसी लग रही हूँ, मैं खुद ही तैयार हुई हूँ, और दाइम के पापा कैसे लग रहे हैं। दाइम जब तो सो रहा था गाड़ी में, तो अभी उठ चुका है। और बस आपको पता है, कहीं जाना हो तो वीडियो बनाने का बहुत ही इशू हो जाता है, यहाँ पर नहीं बनानी, यहाँ पर बनानी है, कोई आता है कैमरे में, कोई नहीं आता। पर मैं फिर भी बहुत कोशिश की कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ अपना प्रोग्राम शेयर करूं। और आज हम लोग गए थे लड़की का रोका करने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी वेनिस्टे को है, भाई का रोका करने के लिए आएंगे, तो मैं आपके साथ वो भी वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। और ये हैं मेरे बड़े भाई और भाभी, मतलब मेरे ट्विंस वाला साथ का भाई और भाभी साथ में हैं, चिंटू मिंटू। तो अभी भाई भाभी रस्म कर रहे हैं, भाभी तो पॉलर से तैयार होकर आई थी। तो आपको पता, जेठानियों के तो तेवर ही अलग होते हैं देवरानियों के सामने। तो भाभी तैयार होकर आई थी, तो मैं तो खुद ही तैयार हुई थी, हम दोनों के एक जैसे ड्रेस हैं। और ये हैं मेरी दोनों मुमानियाँ हैं, और मामू नहीं आए थे, मुमानियाँ साथ बैठी थी। और ये हैं मेरी बड़ी सिस्टर हैं, और उनके हस्बैंड हैं, ये भी ताई की बेटी हैं, मतलब मेरी बड़ी सिस्टर हैं, और साथ में हैं उनके हस्बैंड, और ये गोलू मोलू सा है उनका बेटा। तो रोके की रस्म में आपको पता है ऐसा ही होता है, तो रोके की रस्म तो ऐसी होती है, पर जो दुल्हन होती हैं या दूल्हा होता है, मीठा खा कर वो आ जाते हैं तंग। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी थी, इसलिए मैंने शॉर्ट शॉर्ट सी वीडियो ली हैं। और ये हैं मेरे खाला खालू हैं, सॉरी खांसी हो रही, गला ख़राब, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह फंक्शन अटेंड कर करके गला भी ख़राब हो चुका है। और ये थे मेरे खाला और खालू जी, ये भी रस्म कर रहे हैं, और खाला अपना इंट्रोडक्शन करवा रही हैं कि मैं खाला हूँ आपकी।
तो वीवर सब लोग कर रहे थे अपनी मस्ती मजाक, हंसी मजाक हो रही थी, सबकी बातचीत भी हो रही थी। तो अभी कोई रह गया है, छोटे भाई अभी रह गया है रस्म करने के लिए, अभी वो जाएगा। तो बाकी ये लोग बैठे हुए हैं छत पर, उन्होंने इंतज़ाम किया था, बहुत ही अच्छा था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और ये सब बैठे हुए हैं लड़की वाले, वो भी अपनी वीडियो बना रहे थे, और मैंने तो बस अपनी बनाई नहीं, थोड़ी सी बस शूट की है वीडियो। तो अभी है, ये भी भाई हैं और मेरी ताई अम्मी जी बैठी हुई हैं, इन्होंने अभी रस्म करनी थी और अभी हो रही है, ये रस्म कर रहे। और ये भाई बहुत शरारती हैं, ये भाई का रोका करने, जो मेरी पहले वाली वीडियो आई थी वो ये भाई की मंगेतर का हम लोग रोका करने के लिए गए थे, और इनकी मंगेतर थी वो। तो ये थोड़े से शरारती हैं और भाभी के साथ थोड़ी सी हंसी मजाक कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो अभी सबसे छोटा भाई रह गया था, ये दोनों छोटे हैं और एक बड़े की शादी हुई है, एक की मंगेतर मंगनी हो रही है, मतलब रोके की रस्म, और ये दो अभी अनमैरिड हैं, ये मेरे छोटे भाई हैं। तो खाना भी साथ साथ हमारा स्टार्ट हो चुका है, खाना भी बहुत मज़े का था, टिक्का कढ़ाई थी और साथ में था साइलेट, नान थे और फ्रूट चाट उन्होंने बनाई थी, और फ्रूट चाट भी बहुत मज़े की थी, और साथ में था कि हम लोग डिश कॉल कर ही देखेंगे क्या था, साथ में था मटर चिकन वाला पुलाव था और ये भी बहुत मज़े का था। तो बस खाना इंजॉय करके हम लोग कर रहे थे डांस, तो बहुत मज़ा आया डांस करते हुए। आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि हमारा आज का व्लॉग कैसा है और मैंने डांस कैसा किया। मैं डांस बिल्कुल भी नहीं करती थी, मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था, पर आपको पता है भाइयों की कोई रस्म हो तो बहनें खड़ी रह ही नहीं सकती, तो बस थोड़ा सा डांस मैंने भी कर लिया था और हम लोग सब एक साथ ही कर रहे थे, लड़की वाले भी और लड़के वाले भी, क्योंकि खुशी का मौका होता है और ये खुशियाँ बार बार नहीं मिलती। तो आप लोगों ने बताना हमारी वीडियो कैसी थी, और आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छी वीडियो के साथ। ओके, बाय, अल्लाह हाफिज़।